हेलो, पूछनी चाहिए। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। अरे देखिए, दिख रहा है दोनों जगह। और अभी 6 बज रहे, हस्बैंड ड्यूटी चल गए। और अभी मैं एक आज का ब्लॉग एडिटिंग की, मतलब आज 10 जनवरी है। 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं गया था, तो आज मैं एडिटिंग की कि आज ब्लॉग डालूंगी तो डालूंगी, तो हो जाएगा आज मेरा ब्लॉग भी अपलोड। तो जब तक ये ब्लॉग जाएगा, जो अभी मैं शूट कर रही हूँ, तो ये ब्लॉग तो जाएगा, इससे पहले ही वो ब्लॉग जा चुका होगा, आप लोग देख चुके भी होंगे। तो प्लीज़ अपना सब भर भर का प्यार दीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, है ना। मुझे भी आगे पहुँचाइए, मुझे भी क्या बोला जाता है, अपना आशीर्वाद दीजिए। गुड मॉर्निंग बोलो। मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मम्मा सो मौसी। गया? सो गया? हाँ, नहीं सोने सुनाई दो। थी, सुना। सो गया? 3 बजे से उठाए हो? रोज उठता है 3 बजे, चार ओ, बजे दो सो बजे गया। पागल बना देता है। अभी एडिटिंग कर रही थी ना, देखिएगा आज का ब्लॉग में, मतलब आज 10 जनवरी है ना, तो वो मतलब मेरा 8 जनवरी, 7 जनवरी, 8, 9 जनवरी पहले का ही वो ब्लॉग है। तो एडिटिंग की थी आज, तो ठीक है। और अभी मैं बर्तन धुल ली, झाड़ू लगा ली, गैस भी पोछ ली, अब झाड़ू आलू बॉयल करूंगी। और आज ना आलू आलू टमाटर के झोर बनाऊंगी, और चावल बहुत दिन पे बना रही हूँ। तो ठीक है, आप लोग ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा। और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ऑल पे प्रेस कीजिएगा। धीरे धीरे बोलो उसके लिए सॉरी, मेरा गला आप सही हो गया। तो बने रहिए आप लोग के अंत तक, मिलते हैं। और इसके बाद फिर मैं चढ़ा देती हूँ, बैठा देती हूँ, बोल रही हूँ। मतलब अपना अपना लैंग्वेज होता है ना, जो क्या बोला जाता है, वो यूनिक लैंग्वेज जो फेवरेट है, अपना अपना पर्सनल लैंग्वेज, वो आ ही जाता है मुंह पे, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, है ना। तो बस मैं यहाँ पे ये बता रही थी, मैं धोए, मैं आलू बॉयल कर रही थी, और ये पानी चढ़ाई थी गर्म होने के लिए, नहीं चाय बनाने के लिए चढ़ाई थी, और थोड़ी सी पानी गर्म निकाल ली थी, जो मैं खुद पीती हूँ, तो पी रही थी यहाँ पे। और बेटी यहाँ पे बोल रही थी कि मुझे विदाउट ड्रेस पहन कर जाना है आज स्कूल। अरे मेरी क्लिप मंडे की क्लिप है, आज एडिट कर रही हूँ, तो मतलब ट्यूजडे है, और सुबह का टाइम है। आज तो मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। और ये देखिए, मैं फिर उसके बाद आलू बॉयल हो जाते हैं, बट कम होते हैं। मैं ये दिखा रही थी कि जब ऐसे उसको मैं चेक की थी ना, थोड़ा मतलब टाइट था, कड़ा टाइप का था, तो फिर से मैं चढ़ा दी थी। और इधर मैं चाय बना दी थी, लिकर चाय बनाई थी, क्योंकि और आज मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो थोड़ा मूड ऑफ लग रहा था, मन नहीं लग रहा था उनके बिना। तो इसमें तो है, इस ब्लॉग में, और थोड़ा ब्लॉग लंबा हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे भी। मेरा वॉच टाइम नहीं बता रहा, बार बार बता रही हूँ। और इधर मैं आलू बॉयल कर लेते, उधर मैं फिर उसके बाद मैं माड़ निकाल रही थी चावल से। हम लोग ऐसे ही चावल बनाते हैं, और आलू बॉयल करके प्याज टमाटर ये सब भी काट ली थी। और उसके बाद ये बता रही थी कि यहाँ पे मैं फोफी छान रही थी, इसको हम लोग फोफी कहते हैं, कहीं कहीं लोग इसे तोस्ता बोलते, और आप लोग क्या बोलते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं जब से लेके आई थी ना, तो इसको तली नहीं थी, छानी नहीं थी, और बाबू इसको खाता है, तो मैं बेटी बोली मम्मी आज तल दो, तो ही तल रही थी। और तेल को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं ना महंगाई कितनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी थोड़ी ही आजकल कंजूसी कर रही हूँ मैं भी, क्या करूँ, घर चलाने के लिए हम हाउस वाइफ को करना पड़ता है ये सब भी, कभी चिकन मुर्गा तो कभी नमक रोटी भी खानी पड़ती है भैया, है ना। तो मैं यही बता रही थी, यहाँ पे तल रही थी, क्या करूँ, बहुत टेंशन हो गया। ये लॉकडाउन लगता है ना, तो सबको घर में, हम ज़्यादा हम मिडिल क्लास वाले को हो जाता है मारन, मुझसे बोला जाता है तिनका तिनका जोड़कर घर बनाओ, बहुत मुश्किल लगता है, बचे हुए पैसे से बस 2 से 3 दिन ही खा सकते, महीना दिन तो खा नहीं सकते, है ना। और ये जो श्रम कार्ड बना है ना, तो इससे बहुत, मतलब क्या बिल बोला जाए, 1,000 रुपया तो अकाउंट में आ रहे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं, वो 1,000 रुपया से क्या करा किया जाएगा,
महीना दिन कितना खाएंगे, बच्चे पाल लेंगे या मेडिकल या क्या क्या करिएगा, बट कोई नहीं, जो भी है। हम लोग को तो बस भैया लॉकडाउन में बहुत मारन हो जाता है, यही बता पाऊंगी मैं, है ना। पति भी घर से दूर हो गए, घर से दो रोटी कमाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो घर बैठे मिलेगा नहीं। हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। सर्विस वाले तो हैं नहीं कि बैठो बैठे खाओ, ना भी कमाओ तो भी तनख्वाह मिल रही है सरकारी, बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए, मैं तलकर फ़ौरन डाल दी थी जीरा और तेज पत्ते की, और हींग थोड़ी सी डाली थी, उसके बाद मैं प्याज डाल देती हूँ और कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा लगता है ऊपर से और तेल ऐड की थी शायद, नहीं की थी, मैं उतना ही तेल में बना ली थी, क्योंकि मैं सोची अब नहीं, हस्बैंड तो चले गए हैं और मेरे पास जो है अब इतना ही भी मैं चलाऊंगी, जब वो आएंगे तो करूंगी। और मैं बताना नहीं चाहती थी कि वो चले गए हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, अब किसी को मैं कुछ नहीं बताना चाहती, तो बस चले गए हैं। तो इस वीडियो में तो हैं, इस ब्लॉग में हैं वो, बस बट अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो चले गए हैं। तो कोई नहीं, ये देखिए, इसके बाद प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो मसाले डाल देती हूँ। मसाले में मेरे पास ना मिक्स मसाला है, मैं वही रखती हूँ, और थोड़ा सा उसमें हल्दी कम आता है, कम रहता है, तो थोड़ा ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हल्दी अगर नहीं डालती ना अलग से तो इसका मतलब रंग कलर नहीं आता है। और मेरे पास वही था टमाटर, तेज हरा धनिया, बोलने में लड़खड़ा रही हूँ उसके लिए, सॉरी, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, और मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके मत जाया कीजिए। मेरा ना एक ब्लॉग से 1 घंटे 2 घंटे भी वॉच टाइम नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग क्या वॉच कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत मेहनत लगती है भैया, दीदी, आंटी, जो भी हो, अंकल, प्लीज़ प्लीज़ फुल वॉच किया कीजिए, मेरा एक भी वॉच टाइम नहीं बता रहा है, पता नहीं क्या करते हैं, क्या होता है, मेरा तो नेट ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखिए, मैं टमाटर मसाले भी, टमाटर के वक्त ही मैं नमक डाल देती हूँ, इससे ना टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और धनिया पत्ता भी उसी वक्त डाल देती हूँ। और मसाले मेरे पूरी तरह से भुंज गए थे, मतलब अच्छे से तेल छोड़ने लग गया था, तो फिर आलू डाल देती हूँ, और आलू डालने के बाद थोड़ा और ढक ढक के इसको फ्राई करूँगी, और उसके बाद फिर पानी डाल देती हूँ। तो इसे बोलती हूँ, हम लोग इसे बोलते हैं, बिहारी भाषा में बोलते हैं आलू के झोर, बट आप लोग क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता, तो आप लोग बताइएगा क्या क्या बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा, जानने में अच्छा लगता है, मुझे हमेशा एक्साइटमेंट रहती है कि इस जगह पर इसको क्या बोला जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा इसे और उस फोफी को, उधर मैं फोफी बाबू को थोड़ा दे दी थी तो खा भी रहा था, और अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो बाबू सो रहा है, बाबू को ना बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडी है, पापा कितना बताऊँ मैं, बहुत ठंडी है यहाँ, मेरे हाथ पैर इतनी ठंडी हो जा रहा, बाबू तो रात भर ठंडा पड़ गया था, हाथ पैर उसके एकदम ठंडे, मैं उसे क्या करूँ, अपने पेट में उसका हाथ लगा कर सुला रही हूँ ताकि उसे कुछ हो नहीं, बहुत दर्द लग रहा है, क्योंकि अब हस्बैंड भी नहीं है, रात को बच्चे को तबीयत ख़राब हो जाए, किसी को कुछ हो जाए तो क्या करूँगी, बहुत डर लग रहा है मुझे। और देखिए, उसके बाद मुझे अच्छे से भून गए थे तो फिर पानी डाल देती हूँ, और उसके बाद एक दो बॉयल आता है तो फिर उतार देती हूँ, और इस तरह से बन जाती है मेरी ये आलू की झोर। ये तो बहुत अच्छे से मतलब मिक्स भी कर सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा आलू रहने देती हूँ इसलिए ना कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाने में इसका सब्जी, इसीलिए बोलते मिलते मेरा गला ऐसे हो जाता है। ये देखिए, उधर बाबू भी सो के उठ गया था, और अभी तो मेरे पास सोया है बाबू, दवा दे रही हूँ, बस भगवान से ही दुआ करती हूँ कि भगवान बच्चों को कोई तकलीफ ना दे, और मेरे जितने यूट्यूबर्स व्यूवर्स जितने लोग हैं सबके फैमिली को महफूज रखे, और उनको हर खुशियाँ दे, और बच्चे को हर दुख और गम से दूर रखे, कोई तकलीफ़ ना दे, बहुत ठंडी है, हर चीज़ से बचा के रखे, मेरे भी बच्चे को बचा के रखे। देखिए, और थोड़ी सी और बचती है तो इधर ही से देती हूँ, बेटा मेरा खाता है, बुग्गू मेरा है, सोना खाते रहता है। और लाइव में जो एक आती है ना, मेरी नीचे वाली पड़ोस की हैं, वो देखती हैं तो बोलती हैं क्या बात करते रहती हो, मैं ऐसे ही बोल दी थी कि हाँ मेरे भैया हैं, क्या करूँ, उनको कितना समझाऊँ,
नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए प्रिंटा बन गया थाली। ये मेरी आलू झोर की सब्जी, ये रोटी, और ये रोटी ना बासी रोटी है, तीन रोटी। बच्चा था तो बासी रोटी चार भी खिला जाएगा, है ना, खिला जाता। तो अब का कर भैया, हम तो कलुआ लग रहे एकरा में, कलुआ। तेरा फोन खराब है भैया, तो हम का करें? वो हमारा वीडियो ना बना भैया, काट दो, डिलीट कर दो, डिलीट। ठीक है, हम कलुआ हैं एकरा में भैया, हम ना वीडियो काटो। देखिए क्या कर रही है ये, खाना खा रही है। हेलो कर दो, मेरा कैमरा रुक जा रहा है। और अभी शाम के 4 बज रहे, अभी इसको ट्यूशन जाना, ट्यूशन नहीं जाना है रे, नहीं जाऊंगी। मारेंगे तुम, एक थप्पड़ लगाएंगे, जल्दी जाओ ट्यूशन। और मैं तो कुछ सोची नहीं थी आज, और जो था वो 2-1 दिन पहले का था, तो आप रिजेस्ट कीजिएगा। और हाँ बिट्टू, पड़ोसी का बेटा है, जो लोग नए हैं मेरे ब्लॉग पे, नए हैं ब्लॉग पे, नए आए हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन ब्लॉग का आप लोग को मिलता रहे, और मेरे ब्लॉग को आप सब वॉच कर सको। और मैं ऐसे बांध के रखी हूँ, अभी कपड़ा धुल रही थी, और बाबू यहाँ सोया है, ये दिख रहा है, ये देखिए सो रहा है। और आज लाइट अभी आई है, कल भी नहीं आई थी, परसों भी नहीं आई थी, 2 दिन लाइट नहीं आई, यानी वेनेसडे और फ्राइडे को। वेनेसडे को रात 2022 2022 आ गया ना, कितना जल्दी साल बीत गया पता नहीं चला। तो ठीक है, और मेरा सर दर्द है, 22 तारीख हो गया, सही है, आँख में भी वैसे चुभन हो रही है, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज कर रही हूँ आजकल, जैसे 6 बजे तक कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू। तो ठीक है, कोरोना बहुत ज़्यादा, कोरोना के केसेस भी यहाँ आ रहे हैं, तो आप सब भी स्वस्थ रहिए और अपने आप घरों में रहिए, अपने और अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए। और खुद को बचा के रखिए, सेफ रखिए, जहाँ भी जाइए मास्क और 2 गज की दूरी हो गई है ज़रूरी फिर से। और oh, no! चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।